हेलो बच्चों, तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 और आज पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की डेफिनेशन, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इन सब पे न्यूमेरिकल्स लिए जाएंगे। कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि मेरे लेक्चर्स बोर्ड्स पे ओरिएंटेड हैं, जेई पे ओरिएंटेड हैं, नीट पे ओरिएंटेड हैं। देखो, जो लेक्चर की शुरुआत होती है उसमें बोर्ड्स की बातें होती हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लेता हूं, पहले बोर्ड लेवल के, उसके बाद क्वेश्चन नीट और जेई मेंस लेवल के, और एंड में आते आते एक दो क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल के होते हैं। तो जिन बच्चों को सिर्फ बोर्ड्स की पढ़ाई करनी है वो शुरुआत के लेक्चर से नोट्स उतार लें, आसान आसान क्वेश्चंस कर लें, और बाकी क्वेश्चन में अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है तो लेक्चर को छोड़ दें। और भाई, जिसको पूरी पढ़ाई करनी है उसके लिए पूरा लेक्चर बना हुआ है। सो माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल फिजिक्स वाला। आई डोंट नो ये एनर्जी कहां से आ रही है, शायद आप लोग के एप्रिसिएशन, आप लोग के सपोर्ट से आ रही है। हेडिंग लगाएंगे आज कूलम्स लॉ। इसकी स्पेलिंग को लेकर मैं एक इंटरव्यू से बाहर हो गया था, वो भी एक जमाना हुआ करता था। कूलम्स लॉ, तो बच्चों कूलम्स लॉ क्या बताता है, हमें चार्ज के इंटरैक्शन के बारे में बताता है। अब चार्ज क्या होता है ये आपको देखना है तो यूट्यूब पे टाइप करना होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स 01 फिजिक्स वाला, जहां मैंने चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी बेसिक चीजें डिस्कस की है। आज का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ हमको बताता है कि हाउ टू चार्जेस इंटरैक्ट, यानी इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस की बात होगी, इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस की बात होगी, और आज सारी बातें हमारी पॉइंट चार्ज की होगी, छोटे छोटे चार्ज की। अभी समझाएंगे सब कुछ डिटेल में। तो हमको ये तो पता है कि अगर प्लस प्लस चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे, माइनस माइनस भी रिपेल करेंगे, और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। सवाल आता है कितनी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, तो इसी को कूलम्स ने समझाया। अगस्टा डी कूलम ने ये बात समझाई। क्या बोला इन्होंने कि मान लीजिए साहब आपके पास दो चार्जेस हैं, एक को मैंने बोला प्लस Q1, दूसरे को मैंने बोल दिया, इसको मिटा दूं सब तो पता है सबको, दूसरे को मैंने बोल दिया चिंग 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 चिंग, एक को मैंने बोला प्लस Q1, दूसरे को मैंने बोल दिया प्लस Q2। ठीक है, माइनस भी ले सकते हो, अभी तो लॉ समझा रहे हैं। ठीक है, ये दो चार्जेस हैं हमारे प्लस Q1 और प्लस Q2। मान लिया कि उनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस R है, तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट चार्ज, इसको बोल देते हैं सेकेंड चार्ज। तो सेकेंड चार्ज फर्स्ट को रिपेल करेगा ऐसे, दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 2, और फर्स्ट चार्ज सेकेंड को रिपेल करेगा, दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ना, दिस एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज, ये भी कूलम ने बताया है। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज। भाई रिपेल करने को Q2 Q1 को इधर भी फेंक सकता था, Q2 Q1 को इधर भी रिपेल कर सकता था, नहीं, उसी लाइन पर रिपेल करेगा जिस लाइन पे दोनों का सेंटर ज्वाइन हुआ है। यानी दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, और ये चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज मतलब छोटे छोटे चार्ज हो, छोटे छोटे चार्ज। अब छोटा मोटा भी थोड़ा और समझाएंगे इसमें, और डिटेलिंग चलते हैं पॉइंट चार्ज में, पहले और इस पर। तो भाई साहब कूलम्स ने हमसे बोला, कूलम्स अंकल, कूलम्स सर ने हमसे बोला कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये बराबर होती है, ये बराबर होती है, अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना। हम बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज F12 इज इक्वल्स टू F21। तो वेक्टर फॉर्म में तो अपोजिट है, पर अगर मॉड लगा दें तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इन्होंने बताया ये जो फोर्स F है, इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2। Q1 जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ज्यादा, Q2 जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ज्यादा। समझ में भी आ रहा है भाई, बड़े बड़े चार्जेस लोगे, बड़े बड़े मतलब ज्यादा ज्यादा चार्ज लोगे तो ज्यादा रिपेल होंगे, हल्के हल्के चार्ज लोगे तो हल्का हल्का रिपेल होगा, ये इन्होंने बोला। दूसरी चीज इन्होंने बोली, ये जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²
डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे फोर्स वैसे वैसे कम हो जाएगी। ग्रेविटेशन में भी ये पढ़ा था, आपको याद होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई जितना दूर रखोगे उतना कम इंटरैक्ट कर पाएंगे, उतना कम रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे, जितना पास रखोगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो एक बात तो इन्होंने ये बताई, एक बात इन्होंने ये बताई, और एक बात ये भी इन्होंने बताई, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। एक बात और थी दैट दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, किस मीडियम में ये दोनों चार्ज रखे हैं इस पे भी ये फोर्स डिपेंड करती है। तो इन सारी बातों को मिलाया और हमने फोर्स एफ का फॉर्मूला लिखा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू चार्ज हो गए। अब यहां क्यू वन क्यू टू को विद साइन मत रखना, ठीक है, प्लस माइनस जो भी हो रख देना, है ना भाई, साइन का मतलब ही नहीं, फोर्स तो हम अपने आप डिसाइड ही कर लेंगे किधर लगेगी, अट्रैक्ट होते तो ऐसे लगती, रिपेल लगते होते तो ऐसे लगती। अच्छा आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। के क्या है, के यहां पे एक कांस्टेंट है, आपको बताया ना कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, तो के एक ऐसा कांस्टेंट है जो मीडियम की प्रॉपर्टी को लेके आएगा, यानी के इज अ कांस्टेंट बट इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि हमेशा सेम रहेगा। के डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी। आज हम जो पढ़ेंगे के को हम वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए पढ़ेंगे। तो एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू आपको रट्टा मारनी है, के इज इक्वल्स टू 9×10⁻¹। बहुत बड़ी वैल्यू है, 9×10⁻¹। यूनिट निकाल सकते हो के की, आर स्क्वायर इधर गया, फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर डिस्टेंस मीटर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे कूलम्ब इंटू कूलम, चार्ज कूलम में होता है ना, चार्ज की यूनिट कूलम, कूलम इंटू कूलम, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, बट ये के की वैल्यू किसके लिए है, फॉर फ्री स्पेस, ठीक है, फॉर वैक्यूम। और एयर के लिए भी ये वैल्यू यही मान लेते हैं, जबकि एयर के लिए वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, बट अप्रोक्सीमेटली आप देखते हो कि हम एयर और वैक्यूम की वैल्यू हर जगह क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं। तो के की वैल्यू फॉर फ्री स्पेस, फॉर वैक्यूम, फॉर एयर 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पर याद रखेंगे के डिपेंड्स अपॉन मीडियम, अभी वाटर में के की वैल्यू पूछेगा तो अलग होगा, माइका में पूछेगा अलग होगा, अलग ऑयल में पूछेगा अलग होगा। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि के कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम बताएंगे के इज इक्वल्स टू 1/4πε, ई नहीं, 1/4πε परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी का डिस्कशन हमारा अगले लेक्चर में होगा, कई लोग इसके बारे में किताब में पढ़ चुके होंगे, तो इसके बारे में अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मतलब एक प्यारा सा खेल है इसका भी, तो अलग से परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा अपना। आज हम के मान के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो अभी तक हमने पढ़ा कि भाई कूलम्स लॉ क्या बताता है, ये बताता है कि कैसे दो चार्जेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं, अगर प्लस माइनस चार्ज है तो अट्रैक्ट, प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल, कैसे रिपेल करेगा या कैसे अट्रैक्ट करेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस, ठीक है। वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जितना दूर करोगे फोर्स उतनी कम हो जाएगी। फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और लगाना है सिर्फ पॉइंट चार्ज में। अब बच्चों पॉइंट चार्ज क्या होता है, जो छोटे से स्पेस में चार्ज हो, जो हर जगह बिखरा हुआ चार्ज ना हो, उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। अब जैसे इस पर एक बड़ा आसान सा सवाल है, नोट्स बनाने पे, नोट्स बना लो फिर एक बात कर लेते हैं, नोट्स बना ले, नोट्स बना ले। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, सुना क्या तुमने, क्या सुना, पॉइंट चार्ज की बात। पॉज करके नोट्स बना ले, ओके, नोट्स इसके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड हो जाएंगे, नोट्स इसके साथ में अपलोड होंगे, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 7 डेज लगेगा, हो सकता है उसके पहले ही। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कमेंट में लिंक मिलेगा, और वो आपको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, ये पॉइंट चार्ज की कहानी क्या है। मान लो मैं तुमसे बोलूं मेरे पास एक इतनी बड़ी बॉल है मेटालिक, और इसके ऊपर चार्ज है, पूरी बॉल पे चार्ज है। अब मुझे बताओ ये पॉइंट चार्ज है क्या, पहला आंसर होगा ये पॉइंट चार्ज नहीं है,
क्योंकि चार्ज पूरे में बिखरा है। अच्छा, इतने बड़ी सी बॉल है, छोटी सी एकदम, एक मिलीमीटर की, इसके ऊपर चार्ज है, ये कैसा हो गया? पॉइंट चार्ज। पर ऐसा नहीं है, ये बड़ी वाली बॉल भी पॉइंट चार्ज हो सकती है। कैसे? मान लो ये बड़ी बड़ी बॉल हम बहुत दूर रख दें, हम बहुत दूर रख दें, एक मेरे पास एक तुम्हारे पास, आय हाय हाय सर ये तो बहुत ही दूर हो गया, नहीं यार अपना कनेक्शन तो पास का है, स्टिल मतलब रोड से अगर चले, तो ये डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया कि जब हम आपके चार्ज को देखेंगे तो हमें वो पॉइंट जितना छोटा लगेगा, और आप जब मेरे चार्ज को देखोगे तो वो भी पॉइंट जितना लगेगा। यानी पॉइंट चार्ज की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब यही बड़े बड़े चार्ज बगल बगल रख दो, डिस्टेंस छोटा सा है, बड़ा बड़ा चार्ज दिख रहा है, दूर रख दो तो दोनों एक दूसरे को पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट करेंगे। तो मोर और लेस इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑल्सो। तो इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़े। नोट कर लिया, वेयर इज माई डस्टर, हेयर इज माई प्यारा सा डस्टर, यस हेयर इट इज, ओके। सो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है अगले लेक्चर में आएगा। फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, ये बातें हो गई। अब जो ये एफ है ना, ये प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर था, ठीक है, इसको जरा समझ लो कि एफ प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तेज तो नहीं हो रहा है, सब बहुत बेसिक चीजें हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब फोर्स डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम फोर्स वर्सेस सेपरेशन, फोर्स वर्सेस आर को क्या बोल सकते हैं? सेपरेशन, अरे लंबी जुदाई, सेपरेशन, फोर्स वर्सेस सेपरेशन का ग्राफ बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स बहुत तेजी से कम होगी प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर से। जैसे मान लो हम दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें, इनके बीच के डिस्टेंस को डबल, जैसे मान लो पहले डिस्टेंस एक मीटर था फिर दो मीटर कर दें, तो फोर्स क्या होगी? सोचो, डिक्रीज करेगी, दूर हो गया चार्ज, फोर्स कम, भाई इंटरैक्ट ही नहीं कर पा रहे इतना, कितने गुना कम होगी। इसको जब डबल करोगे तो देखो स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, यानी फोर्स चार गुना डिक्रीज करेगी। यानी अगर हम सेपरेशन को डबल कर दें तो जो नई फोर्स होगी वो पुरानी फोर्स का चार गुना कम हो जाएगी, फोर्स डिक्रीज करेगी चार गुना। अच्छा मान लो हम सेपरेशन को हाफ कर दें, यानी मान लो पहले सेपरेशन एक मीटर था अब 0.5 मीटर है, पास ले आए, पास लाएंगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, कितनी ज्यादा होगी? देखो इसको जब हाफ करोगे, हाफ मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर जाएगा, फोर्स कितने गुना बढ़ी? चार गुना। तो एफ डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एफ। तो ये चीजें याद रखना, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है बोर्ड में सब सवाल कि डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, टू चार्जेस को हमने तीन गुना बढ़ाया, तीन गुना, तो फोर्स क्या होगी? कम होगी, कितने गुना? 9 गुना, सही ना, तीन गुना बढ़ाओगे फोर्स उसके स्क्वायर टाइम्स में कम या स्क्वायर टाइम्स में ज्यादा होती है। इतनी बात समझ में आ गई? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, मिटा दें, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब इसमें बोर्ड का एक बड़ा ही फेवरेट टॉपिक, और एक बार जेई में भी पूछ चुका है ये, जब जेई मेंस और एडवांस नहीं होता था, सिर्फ जेई होता था, आईटी जेई, तो वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया, ग्रेविटेशन में पूछा था शायद, ये एक ही चीज होती है सब, वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ, और ये बोर्ड का भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना, इसको 5 फोर्स वेक्टर होता है तो वेक्टर फॉर्म में लिखो, डायरेक्शन वगैरह दिखे। तो मान लो मेरे पास फिर से दो चार्जेस हैं, पहला वाला Q1, दूसरा वाला Q2, इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको मैंने बोल दिया मॉड आर, मॉड आर मतलब इस बार मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया डिस्टेंस का। बच्चों इस पे फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, रिपेल होगा। इस पे फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, रिपेल होगा। अब हमसे कहा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो एक बात सुनो, हमारे पास यहां दो वेक्टर बन सकते हैं आर के, दो वेक्टर, एक होगा आर का ये वाला वेक्टर, एक होगा ये वाला वेक्टर। जब 1 से 2 जाते हैं तो हम बोलते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जो बाद में आया माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जब यहां से यहां गए तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्या बात है सर, अरविंद माइनस R2, क्लियर है?
फाइनल माइनस इनिशियल। अब मैंने कोशिश की ये वाली फोर्स निकले की फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो आप लिखोगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन मॉड आर का स्क्वायर, मॉड आर का स्क्वायर। ये तो स्केलर फॉर्म में हो गया, हमको तो वेक्टर फॉर्म में चाहिए, हमको तो वेक्टर फॉर्म में चाहिए। अब क्या करें क्या करें क्या करें यार, एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, एक उसका डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन के लिए हम क्या लेते थे, यूनिट वेक्टर, याद है? किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन देना हो तो यूनिट वेक्टर लिख लो। तो आपको इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर चाहिए। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, इस वाले का यूनिट वेक्टर ले लो, ये भी तो इसी डायरेक्शन में है, ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट वेक्टर ले लो, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन, यानी आर वन माइनस आर टू का यूनिट वेक्टर लगा दे। यूनिट वेक्टर निकालना आता है, जैसे मैं बोलूं ए का यूनिट वेक्टर, तो क्या करते हैं वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, यही तरीका होता है यूनिट वेक्टर निकालने का, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो इसका यूनिट वेक्टर आप लिख सकते हो, लिखोगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन मॉड आर का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन माइनस आर टू का मॉड, आर वन माइनस आर टू का मॉड। यार ये आर वन माइनस आर टू का मॉड है क्या, आर वन माइनस आर टू का मॉड है क्या, मॉड आर के बराबर। आर वन माइनस आर टू का मॉड मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रहा ये, समझे? नहीं, हमें ये फोर्स लिखनी थी, तो इस फोर्स की वैल्यू तो ये है और डायरेक्शन ये है। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन देने के लिए चाहिए होता है यूनिट वेक्टर, यानी आपको इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। क्या इस डायरेक्शन का कोई वेक्टर है आपके पास, ये रहा, तो इसको कन्वर्ट कर लो यूनिट वेक्टर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं यूनिट वेक्टर में, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया, ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अब हमने कहा यार मॉड आर की जगह क्या वो लिख सकते हैं, सोचो, अरे यार इसका मॉड इसका मॉड इसका मॉड सब तो बराबर, यानी इसको हम लिख सकते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन, इसको लिख सकते हैं आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का मॉड, यानी टोटल हो जाएगा आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का होल क्यूब ऊपर आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन माइनस आर टू का होल क्यूब इंटू आर वन माइनस आर टू। इसको इस तरह से याद भी कर सकते हो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू, ऐसे तो फिजिक्स में याद नहीं करना चाहिए यार, फिर भी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, पहले तो सब कुछ लिख लो, फिर आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब आया, अरे सर आप तो इसको एरबो लेते, अरे तो ऊपर भी तो एक आया है, सो आर वन माइनस आर टू वेक्टर का क्यूब, देखो यहां भी वन पहले वहां भी वन पहले। अच्छा कई बार किताबों में कंफ्यूजन रहता है, एक चीज बड़ी किताब कंफ्यूज करती है कि आर वन माइनस आर टू को कई किताब लिखती है आर वन टू और कई किताब लिखती है आर टू वन, तो मैंने उस फॉर्म में लिखा ही नहीं, इसमें अच्छी अच्छी किताबों ने गलती कर रखी है। और इसमें क्या सही क्या गलत अब कैसे बताएं भाई, हम तो जीनियस है नहीं, किताबें जीनियस होती हैं, किताबें बहुत लोग लिखते हैं, तो अब इसमें क्या सही क्या गलत नहीं पता। कई लोग कहते हैं आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर को ये लिखो, कई कहते हैं ये लिखो, अब पता नहीं क्या लिखना है, तो हमने लिखा ही नहीं कुछ, हमने सीधा आर वन माइनस आर टू, टू से वन चले तो आर वन माइनस आर टू, वन से टू चले तो आर टू माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर है? अब इसके बारे में हमको आइडिया नहीं था तो इस बारे में हमने नहीं लिखा, कई किताबों में पढ़ोगे किसी में कुछ और किसी में कुछ और कंफ्यूज होगा, ये 100% करेक्ट होगा ये। तो दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा इसी तरह से F21 लिख सकते हो क्या, कैसी तरह से F21 लिखा जा सकता है, जरा F21 मुझे सीधा लिख के दिखाओ अब, F21 के Q1 Q2 नीचे आर स्क्वायर की जगह अब 21, तो R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू आर टू वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, बोलो सही है? पहले नीचे R स्क्वायर रहेगा, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, इसका कैप कैसे निकलेगा, ये वेक्टर अपॉन इसका मॉड, फिर ये मॉड और स्क्वायर की जगह मैंने, दिस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू R2 माइनस R वेक्टर, बोलो समझ में आ रहा है? इससे कंपेयर कर लो, वन पे फोर्स दो की वजह से, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो यहां पे आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो आर टू माइनस वन, आर टू माइनस वन।
नोट कर लें। तो ये बोर्ड का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है, कई बार पूछते हैं कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखो, या कई बार आर वन आर टू की वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे फोर्स निकाल के दिखाओ। क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लें। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो आर टू माइनस आर वन आर टू माइनस, पर हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम अपना वही के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर को यूज करेंगे, क्योंकि यार डायरेक्शन तो हम निकाल ही सकते हैं ना, अट्रैक्ट होगा तो ऐसे, रिपेल होगा तो ऐसे, सब तो समझने वाली बात है, फिजिक्स पढ़नी है ना हमको, केमिस्ट्री थोड़ी ना है कि याद कर लेंगे। मिटा दे, ओके, सबके नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगे, और साथ में इसका एक असाइनमेंट भी पीडीएफ में अवेलेबल होगा, साथ में उस असाइनमेंट का सोल्यूशन भी पीडीएफ में अवेलेबल होगा। अच्छा, तो यहां तक बातें हुई। अब अगर याद किया जाए तो ये जो फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये फॉर्मूला काफी कुछ सिमिलर है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस का, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। याद आया ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, जी एक मास एम वन एक मास एम टू नीचे आर स्क्वायर, तो दोनों में काफी सिमिलैरिटी है। क्या क्या सिमिलैरिटी है दोनों में, व्हाट इज द सिमिलैरिटी, ये भी सवाल बोर्ड का बड़ा फेवरेट होता है कि इन दोनों लॉज में सिमिलैरिटी क्या है। तो पहली सिमिलैरिटी तो इनवर्स स्क्वायर लॉ की दिख रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सिमिलैरिटी, पहली तो इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही फोर्स प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर स्क्वायर के। और दूसरी सिमिलैरिटी क्या है, दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि बोथ फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर। अब दोनों में अलग अलग सेंटर, इसमें सेंटर ऑफ मास, इसमें सेंटर ऑफ चार्ज होता है, सेंटर ऑफ चार्ज इसे हम नहीं पढ़ते, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बना। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस, बताओ खुद से सोच के बताओ दोनों में डिफरेंस। अगर याद करो तो पहले तो सिंपल कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कैसी हो सकती है रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव, और ये जो एफ जी है ये कैसी होगी, ऑलवेज अट्रैक्टिव। दो मासेस एक दूसरे को हमेशा प्यार करते हैं, है कि नहीं, हमेशा चिपक जाते हैं, दो मासेस एक दूसरे को हमेशा आए हाय प्यार, प्यार में हुए सर हम बर्बाद। अच्छा, दूसरा डिफरेंस अगर आप याद करो तो इस जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे, यानी जी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये जो जी है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट है मीडियम की, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यानी दो मास के बीच की फोर्स, पानी में निकालो, जमीन पे निकालो, ठीक है, खाने के बाद पेट के अंदर निकालो, किसी भी मीडियम में निकालो, फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, बिकॉज जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। पर यहां का कांस्टेंट हमने के बताया, मीडियम पे डिपेंडेंट है, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिपेंड करती है मीडियम पे। वैसे तो बहुत डिफरेंस है, ठीक है, अभी आप ये दोनों लिखो। जैसे एक डिफरेंस बड़ा ही प्रोमिनेंट है कि ये फोर्स बहुत बड़ी होती है, ये फोर्स बहुत छोटी। देखो ये जो जी की वैल्यू है अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, वरना 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, और के की वैल्यू फॉर एयर हमने फॉर वैक्यूम फॉर फ्री स्पेस आज बात की 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो ये 10 की पावर 9 है, वो 10 की पावर माइनस 11, ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, यानी फोर्सेस जनरली बड़ी आती हैं छोटी आती हैं बिटवीन एनी टू मासेस। अभी करके देख लेते हैं हम इसको, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी बड़े मैग्नीट्यूड की। चलिए सवाल लिया जाए अब के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर पे। चलिए पहला सवाल लें, मिटा दिया जाए इसको। ओके, काश के अब होश में हम आए ना पाए, काश के अब होश में हम आए ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए।
ऐ काश के अब होश में हम आए ना पाए। ठीक है, अभी बताएंगे कहां कहां कूलम्स के लॉ वैलिड नहीं है। कुछ कुछ जगहों पे कूलम्स लॉ लगा नहीं सकते, ठीक है, वो ही बताएंगे लिमिटेशन क्या क्या है। अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हाँ, ये नेगेटिव में होता है, पिछले लेक्चर में एक बच्चे ने पूछा नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव, तो यार ये सब तो आप समझ सकते हो, मेरे को परेशान करने के लिए ऐसे सवाल क्यों पूछते हो सर, मजा आता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। बाकी कॉन्स्टेंट वगैरह की बात करें तो हमसे ये एयर पूछा है, इन एयर। और अगर कॉन्स्टेंट की बात करें तो के मैं बता चुका हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और जी की वैल्यू बता चुका हूँ 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आपसे रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ एफ ई टू एफ जी फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेट्स दैट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूँ, खुद से सॉल्व करेंगे, ए बी सी डी। ऑप्शन वन है 10 की पावर 10, 10 की पावर 20, 10 की पावर 30, 10 की पावर 40। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको बताना है रेशियो कितना आ रहा है। चलिए ट्राई करें, कैसे करेंगे। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, एफ ग्रेविटेशनल विल बी जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितने डिस्टेंस पर रखा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। F electrostatic upon F gravitational is equals to K Q1 Q2 upon G M1 M2। बात हो रही है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये भी इलेक्ट्रॉन, Q1 Q2 बराबर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर होगा, मतलब M1 M2 भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं ऊपर K इंटू क्यू स्क्वायर, नीचे जी इंटू एम स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, जी की जगह 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 स्वाहा, इंटू एम की जगह रखेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 का होल स्क्वायर स्वाहा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 10 की पावर 42, मतलब बड़ा फेमस टर्म है ये सब, 10 की पावर 42, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 42 गुना बड़ी है, बहुत बड़ी है। यानी यहाँ अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा आपका डी, बहुत बड़ी है। तो यही मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज मच 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 ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका रीजन क्या है? रीजन है इसका कॉन्स्टेंट के बहुत बड़ा है, इसका कॉन्स्टेंट जी बहुत छोटा है। क्लियर है? क्लियर है। अब आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है तो दो प्रोटॉन के लिए यही खेल खेल के देख लेना, प्ले द सेम गेम फॉर टू प्रोटॉन इफ यू वांट टू। यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएगा 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। सुन रहे हैं। प्रोटॉन के लिए ट्राई करना खुद से, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। बाकी सब तो सेम ही रहेगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर है? मिटा दें, ओके। चलिए तो बेसिक कूलम्स लॉ पे एक सवाल और करा दे, चलो एक सवाल और देख लो, ये भी बोर्ड्स में आने लायक सवाल है। तो यार ये मत पूछा करो कि लेक्चर बोर्ड का है, जेई का है, नीट का है, शुरुआत में पूरा बोर्ड लेवल पे चलता रहता है, बाद में सवाल अच्छे आने लगते हैं। जैसे दूसरा सवाल देखो, प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, आए हाय हाय, अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, बराबर है कि नहीं पता नहीं, सच दैट व्हेन दीज टू पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ई लिख दें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट।
करेंगे खुद से, ट्राई करें। एक कैपिटल चार्ज Q को हमने दो स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया Q1 Q2 में, और हमसे कहा है कि अब जो Q1 Q2 के बीच की फोर्स है वो मैक्सिमम आ रही है, तो आप बताओ Q को कैसे डिवाइड करेंगे। ट्राई करें। हो गया। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं जो दो पार्ट हैं, जो दो चार्जेस हैं, एक को मान लेते हैं x, एक हो जाएगा q माइनस x, बोलो सही है। एक को मैंने मान लिया x, एक हो जाएगा q माइनस x। इनके बीच का सेपरेशन चलो r मान लेते हैं, वैसे भी r से तो मतलब है नहीं, एट सम सेपरेशन। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, हो जाएगी k इंटू x इंटू q माइनस x अपॉन r का स्क्वायर। अब हमसे बोला है कि f कैसा है, मैक्सिमम है, f इज मैक्सिमम। तो क्या किया जाए, अच्छा यहां से जरा f को हम और लिखें, तो हम f को लिख सकते हैं k x q माइनस k x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो f डिपेंड कर रहा है किस पे, r तो फिक्स्ड है सम सेपरेशन, कैपिटल Q एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, K फिक्स्ड है यानी X पे, यानी F डिपेंड कर रहा है X पे। तो याद है, अगर Y X पे डिपेंड कर रहा हो और आपको Y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती तो आप क्या करते थे, dy by dx की वैल्यू जीरो कर देते, याद है मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका। Y यदि X पे डिपेंड कर रहा है, Y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो dy by dx जीरो। तो हम यहां Y की जगह कौन है, फोर्स है जो x पे डिपेंड कर रहा, तो हमें करना होगा df by dx is equals to zero। बोले समझ में आया, इसको याद रखना आगे पूरे सिलेबस के लिए, जब भी कोई क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हो, जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, समझ में आया। तो अगर कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तेज तो नहीं हो रहा, बहुत आसान है यार सब, तो हमें अगर ये क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, dy by dx यानी df by dx = 0। इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो पहला वाला टर्म हो जाएगा k q by r square माइनस दूसरा वाला टर्म हो जाएगा 2k x by r square। बोलो सही है भाई, x की पावर 2 है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा 2kx। अब किसी को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे टाइप करेंगे डिफरेंशिएशन, फिजिक्स वाला क्लास 11th का है, उसको देखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा हाँ, डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम तो देखना पड़ेगा, यस भाग नहीं सकते, कब तक भागोगे। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ से आर स्क्वायर दोनों में एलसीएम हो गया, उधर जाके जीरो हो गया, के कैंसिल हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आएगी 2x। बोलो सही है, आर स्क्वायर उधर जाके जीरो, के क्यू इज इक्वल, करना पड़ता है सब, के क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 2kx इज इक्वल्स टू जीरो, ये के कैंसिल हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आएगी 2x, यानी x की वैल्यू होगी क्यू बाई 2। तो दो पार्ट क्या होंगे, पहला पार्ट हो गया क्यू बाई 2, दूसरा क्यू माइनस x। x कितना है, q by 2, q minus q by 2, q by 2, यानी दोनों पार्ट बराबर हैं, q by 2, q by 2। तो ये देख लो, ये याद रखो कि अगर फोर्स मैक्सिमम चाहिए और किसी चार्ज को दो पार्ट में तोड़ना हो तो आधे आधे में तोड़ दो, फोर्स मैक्सिमम हो जाती है। ये चीज मास में भी वैलिड होगी, मान लो एक बड़ा सा मास m है, उसको दो पार्ट में तोड़ें और बोलें कि फोर्स ग्रेविटेशनल की उसमें मैक्सिमम है, तो m by 2, m by 2। क्लियर है, मिटार दें। अच्छा तो ये तो कोई बहुत बेसिक से सवाल हमारे, ये सब तो आपको पता था ना, dy by dx को जीरो करते हैं, एकदम ही गधा तो नहीं कहीं बैठा है। अरे सर यार ये याद रखो, कोई भी क्वांटिटी y अगर x पे डिपेंड कर रही है और y की हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो वो तभी होगी जब dy by dx की वैल्यू जीरो हो, ठीक है। तो यहां पे फोर्स x पे डिपेंड कर दो, df by dx को हमने जीरो कर लिया, क्लियर है। ओके चलिए अब अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। अच्छा ये देखो, कब नहीं लगेगा कूलम्स लॉ, है ना, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, क्या लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन ये है कि आप इसको एक्सटेंडेड चार्जेस पे नहीं लगाना, एक्सटेंडेड चार्जेस पे नहीं बाबा नहीं। एक्सटेंडेड चार्ज समझ रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक बॉडी ले ली, यहाँ पे हमने एक बॉडी ले ली, पॉइंट चार्ज ना हो, है ना, ये यहाँ पे चार्ज झुम 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 झुम, यहाँ पे चार्ज झुम 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 झुम, ऐसे है, दो बड़े बड़े चार्जेस बगल बगल रखे हैं तो यहाँ पे आप नहीं लगा सकते। इट इज वैलिड ओनली ऑन पॉइंट
चार्जेस, वैलिड ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस. दूसरा लिमिटेशन ये है कि कूलम्स लॉ चार्ज एट रेस्ट पे लगाया जाता है, पर इसको कई लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं. समझो, कूलम्स लॉ कब वैलिड है? जब बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट, तब ये लॉ लगा सकते हैं. इफ बोथ चार्जेस आर इन मोशन, तब आप ये लॉ नहीं लगा सकते. ठीक है, यहां तक सब सही पढ़ रहे हैं कि अगर दोनों चार्जेस Q1 Q2 स्टैटिक है, रुके हुए हैं, तब तो कूलम्स लॉ वैलिड है. दोनों चार्जेस Q1 Q2 मोशन में है, तब कूलम्स लॉ नहीं वैलिड है. पर एक चार्ज मोशन में हो और एक चार्ज रेस्ट में हो, तब क्या होगा? एक चार्ज मोशन में, एक चार्ज रेस्ट में, तब कूलम्स लॉ वैलिड है. यानी कूलम्स लॉ सिर्फ तब नहीं वैलिड है जब दोनों के दोनों चार्ज चलने लगे, चाहे कांस्टेंट स्पीड से चले, चाहे वेरिएबल स्पीड से चले, चाहे एस्केलरेशन से चले, जैसे भी, उससे मतलब नहीं है. अगर दोनों चार्ज मूव करने लगे, देन कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड. एक मूव कर रहा है, एक रेस्ट पे है, वैलिड है. दोनों रेस्ट पे है, तब वैलिड है. और कहां लगाना है? पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की फीलिंग दे दी. और एक्सटेंडेड चार्जेस को भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो बहुत लंबा चलेगा ना ये पूरा यूनिट. कंटिन्यूअस चार्जेस में, तो कंटिन्यूअस चार्जेस को कैसे डील करना है? गॉस लॉ आएगा, हाय हाय हाय, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो उन सब में इसका डिस्कशन होगा. क्लियर है? क्लियर है? मिटा दें. ओके, अच्छा, तो ये कूलम्स लॉ का बेसिक खत्म हुआ. अब क्या होता है? अब हमें एक छोटा सा पॉइंट पढ़ना है, बोर्ड का टॉपिक है वो भी, और उसके बाद न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल करते जाने हैं. तो अगला टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ लो, है ना. फोर्स में भी लगाना है, फील्ड में भी लगाना है, हर जगह लगेगा आगे. ये शायद क्लास 11th में आपने पढ़ रखा हो. सर क्लास 11th, ये क्या था? अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? जैसे मान लो बच्चों, इसको मैं थोड़ा आसान से समझाता हूँ. मान लो मेरे पास तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3. मान लो अभी Q3 नहीं आया है, सिर्फ दो चार्ज हैं Q1, Q2 पहले. तो मैं पूछूं, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज? तो आप बोलोगे फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज इज ड्यू टू वन. इसकी वैल्यू निकाल लोगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, अब मैं Q3 भी ले आया. ठीक है, Q3 भी आ गया. अभी तो यही कहानी थी. मान लो Q1 Q2 और अब Q3 भी आ गया. व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज नाउ? द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज नाउ इज फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू वन प्लस फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू थ्री. आसान है? अरे भैया, दो आ गए तो दोनों फोर्स लगाएंगे, कोई तीसरा आ जाएगा तो वो भी इस पे फोर्स लगाएगा, चौथा आएगा वो भी इस पे फोर्स लगाएगा. यानी टू पे जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी? सबकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रही है उसका वेक्टर सम कर लो. क्या कर लो? वेक्टर सम कर लो. क्या कर लो? वेक्टर सम कर लो. मान लो मेरे पास एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, एक चार्ज Q3 और एक चार्ज Qn. व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन nth चार्ज? इट विल बी फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू थर्ड, डैश डैश डैश, फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू n-1th चार्ज. क्लियर हो गया? अरे यार, जब एक से ज्यादा चार्जेस होंगे तो सभी चार्जेस हर चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, जुम्बा जुम्बा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे भाई? इस चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा. इस पे नेट फोर्स क्या होगा? इन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम. वेक्टर नहीं पढ़ा तो क्लास 11th में फिर से जाना पड़ेगा, वेक्टर का लेक्चर उठाना पड़ेगा और वेक्टर का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा. चलो मैं दिखाऊंगा आज. क्लियर है? है ना, इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, ये मैं नोट्स में लिखा है पीडीएफ में, आप चाहो तो अभी लिख लो. इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्ज. क्या बोले सर? फिर से. इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम
ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस, ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज, जिस चार्ज पे, समझ में आ गई ना बात है? लिख लोगे बोर्ड की डेफिनेशन? लिख दें हम कहीं? हाँ सर, इस बार बोर्ड है, प्लीज प्लीज सर इस बार डेफिनेशन लिखो, गायब नहीं करो। देखो, इन अ सिस्टम, इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस द टोटल फोर्स, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज। एक तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, मेन डेफिनेशन तो यही है जो आपको लगानी है एग्जाम में। अच्छा, इसकी एक डेफिनेशन और है जो कुछ और पहलू पे फोकस करती है, एक और चीज समझाता है कि थर्ड चार्ज के आने से वन और टू के बीच की फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन डज नॉट चेंज व्हेन थर्ड चार्ज कम्स, नहीं वो फोर्स वही है, चेंज क्या हुई? नेट फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, सेकेंड चार्ज पे जो फोर्स वन लगा रहा था वो वही लगा रहा है। तीसरे के आने से इन दोनों के पवित्र रिश्ते में कोई अंतर नहीं पड़ा, पर ये तीसरा आके अपना इन्फ्लुएंस भी इस पे लगा रहा है तो नेट फोर्स चेंज हुई। तीसरे चार्ज के आने से क्या दो चार्ज के बीच की फोर्स चेंज होती है? नहीं। तीसरे चार्ज के आने से क्या नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज चेंज होती है? यस, ये भी ये बोलता है ना, द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज। इनके बीच की फोर्स चेंज नहीं हुई, हाँ पर इस पे लगने वाली नेट फोर्स चेंज हो गई। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज सेम, बट द नेट फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज इज चेंज्ड। बढ़ेगी जरूरी नहीं है, घट भी सकती है, तो वेक्टर की कहानी है, अभी देखो समझ में आएगा कैसे घट भी सकती है। मिटा दें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इस पे हम करेंगे न्यूमेरिकल। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे किस किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं? चलो, टाइप वन सबसे पहले आता है पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स, ठीक है, किस पे? प्रिंसिपल ऑफ, मतलब पॉलीगन मतलब ट्रायंगल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, वगैरह 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 वगैरह। चलो ट्रायंगल लेते हैं। मान लो यहां मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहां मैंने एक चार्ज रखा प्लस क्यू, यहां रखा प्लस क्यू, यहां भी रखा प्लस क्यू, ऑल आर पॉइंट चार्जेस। अब आज के लेक्चर में बोलूंगा नहीं, जितने भी चार्जेस होंगे वो पॉइंट चार्ज होंगे छोटे छोटे। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो साइड ए ए ए, साइड्स का नाम दे दो, वर्टेक्स का नाम दे दो, इस वर्टेक्स को मैंने बोला ए, इस वर्टेक्स को मैंने बोला बी, इस वर्टेक्स को मैंने बोला सी। क्वेश्चन है फाइंड द एफ नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी, सी वर्टेक्स पे रखे प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अच्छा, और सोचते हैं, सी पे एक फोर्स ए लगाएगा, ये प्लस ए वाला सी को क्या करेगा? रिपेल, ऐसे कैसे रिपेल करेगा? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सी वाले पे एक फोर्स बी लगाएगा, क्या करेगा? ये प्लस प्लस रिपेल, दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल 60 डिग्री, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये 60, ये 60, ये 60, तो ये भी 60। तो अब आपको एक्चुअल में नेट फोर्स निकालनी है, इसके लिए आपको वेक्टर की कहानी याद होनी चाहिए। खैर समझते हैं इसको, पहले निकालते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बोलो के Q1 Q2 दोनों क्यू क्यू हैं, अपॉन आर स्क्वायर, ये आर हुआ इनके बीच का, Q1 Q2 क्यू क्यू हो गया। अच्छा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, देखो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए के क्यू क्यू अपॉन, सेम आ रही है, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बोलो सही है। इन दोनों के बीच की फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाई ए स्क्वायर, इसकी भी सेम, ये फोर्स ऐसे लगी, ये इसको ऐसे रिपल किया अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, यानी दोनों फोर्सेस सेम है। थोड़ी देर के लिए इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वल टू एफ ले लेते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एफ और एफ, देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ओवर हियर,
F एंड F और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, रिजल्टेंट पूछा है। जब इक्वल फोर्सेस होती हैं तो रिजल्टेंट कहां से जाता है, एकदम बीच से। ये दोनों फोर्सेस ये इधर भगा रही है इधर, तो ओवरऑल ये चार्ज किधर भागना चाहेगा? ऐसे भैया फोर्स लगी है तो चलेगा कि नहीं? एक फोर्स इधर एक इधर, दोनों के एक्शन में ये इधर भागना चाहेगा, मतलब ऐसे कुछ नेट फोर्स आएगी। अगर बराबर होती है ना तो रिजल्टेंट बीच से आता है यानी 30 डिग्री पे। अब बात आती है रिजल्टेंट निकलेगा कितना कैसे, तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर जोड़ने का तरीका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, पढ़ा है? रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल ये नहीं रख देना, इसको भूल जा भी थोड़ी देर के लिए, सुनहरा सा क्लास 11th में छोड़ के आया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, अब यहां से हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर, अंडर रूट एफ स्क्वायर और ये भी कॉस 60 इज, बहुत ही गधे लोग आ गए हैं लेक्चर में, कॉस 60 भी नहीं पता है क्या कर रहे हैं। कॉस 60 इज 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर रूट 3 एफ स्क्वायर, तो बाहर कितना आएगा इसमें से, एफ बाहर आ जाएगा, तो एफ रूट 3 इज द आंसर। और नेट फोर्स कहां से आएगी, अगर दोनों फोर्स बराबर है तो नेट फोर्स उसके बीच से जाती है, मतलब यहां से 30 डिग्री पे, यानी इस पे टोटल फोर्स जो लगेगी वो ऐसे लगेगी, यहां से कितने एंगल पे 30 डिग्री पे, उसकी वैल्यू कितनी है रूट 3 एफ, और एफ की वैल्यू वो है, क्लियर है? यानी नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर लिखूं रूट 3 एफ, एफ कितना है के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, दिस इज द नेट फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए एक सवाल खुद से करेंगे, आप तैयार? ओके, देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सब बोर्ड के लेवल के सवाल है भाई, और देखिए जरा, मान लो ये दे दिया, इसी में आपको ये आपसे बोला प्लस क्यू, ये आपसे बोला प्लस क्यू, और इसको इस बार बोल दिया माइनस क्यू, ए बी सी, इस बार पूछ लिया व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए, चलो बताओ नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए, बताओ खुद से सोचो, अब निकालो पॉज करके, खुद से पॉज करके, खुद से सवाल करना पड़ेगा, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल का आटा खाना पड़ेगा, खेला है गेम डग 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 डग। अच्छा तो क्या होगा भाई साहब इसको, ये अच्छा ये भी इक्विलैटरल एंगल है, बुरा मत मानो, ये इक्विलैटरल एंगल है, माइनस क्यू को ये अपनी तरफ खींचेगा प्लस माइनस में, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, और माइनस क्यू को ये भी खींचेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कितना होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी के चार्जेस क्यू क्यू यानी क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी सेम आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो दिस इज ऑल्सो द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यस और नो, ए पे ड्यू टू बी भी यही होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सेम फोर्स है तो दोनों को मैं इक्वल टू क्या ले लू एफ। अब जो लोग मुझसे 11 से पढ़ते आ रहे हैं उनका फ्लो अच्छा बना होगा, जो लोग नए नए आए हैं वो सोच रहे होंगे क्या हो रहा है यार ये क्या है वेक्टर सम, मेरे को पूरा पढ़ा, तो बेटा तुमने 11 छोड़ा, इसीलिए मैं ला रहा हूँ वन शॉट सीरीज, ऐसे बच्चे हैं जो 11 का टॉपिक्स छोड़ चुके हैं और बहुत परेशान हैं, वो वन शॉट सीरीज पे ध्यान दें, जैसे यहाँ जो बातें आपकी फंस रही हैं वो वेक्टर से फंस रही हैं, और वेक्टर पे वन शॉट सीरीज मैं कर चुका हूँ तो उसको आप देख सकते हैं, वन शॉट वेक्टर फिजिक्स वाला है, वापस तो इस पे फोर्स ड्यू टू दिस के क्यू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इस पे फोर्स ड्यू टू दिस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों बराबर एफ एफ, तो दो फोर्सेज हैं एफ, और एफ कितने एंगल पे हैं 60 डिग्री, अभी यही तो किया था, रिजल्टेंट बीच से निकलेगा, एफ नेट कितना आया था रूट थ्री एफ, एफ कितना है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कितने एंगल पे आएगा 30 डिग्री पे आएगा, बोलो समझ में आ गया, क्लियर है? तो इस तरह के सवाल आप पॉलीगन में वगैरह में कर सकते हैं, और कराया जाए ऐसे सवाल, हलवा कराया जाए, मिटा रहे इसको, ओके। मान लो अपने से कहता है कि यहां पे एक स्क्वायर है, बड़ा बने ओके, मान लो अपने से कहता है यहां पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ए ए ए ए है,
यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू। मान लो ऐसा सवाल दे दिया हमसे, बोला जो इसकी साइड है वो है ए बी सी डी। हमसे पूछा फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज एट सी। ट्राई करें खुद से पॉज करके, मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं, तब तक ट्राई करें खुद से। क्या आया, क्या आया, ट्राई करें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है इस पे, बाकी चार्जेस की वजह से फोर्स निकलेगी, सबका वेक्टर सम करना पड़ेगा। यही तो है ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अरे यही तो है कि इस पे नेट फोर्स निकालनी है तो सारे चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल के वेक्टर सम। तो देखो सी को एक तो बी अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ऐसे लिख लें इस बार एफ डी। सी को डी अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, इसको एफ डी लिख लें। और सी को ए भी अपनी तरफ खींचेगा, सब प्लस है सब खींचेंगे इसको, दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए एफ ए। तीन फोर्सेस लग रही हैं इस बार, ये और ये। अच्छा चलो देखते हैं कितनी कितनी है। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी के, ये वाली फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही होगी फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। ध्यान से देखो फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी भी यही होगी के क्यू। अरे मैं बोला ना अभी कई लोग परेशान, माइनस प्लस मत सोचो यार, डायरेक्शन तो हमने अपने आप ही सोच लिया है। तुम फॉर्मूले में माइनस प्लस मत सोचो, डायरेक्शन तो मैंने अपने क्या माइनस रखेंगे, नहीं क्यू वन क्यू टू को विद साइन रखने की जरूरत नहीं है। क्यू वन क्यू टू को विद साइन सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में रखना, बताते चल रहे हैं आगे से। जब पोटेंशियल एनर्जी का टर्म्स आए तब क्यू वन क्यू टू विद साइन जाएंगे, यहाँ पे विद साइन जाने की जरूरत नहीं। फोर्स हो फील्ड हो इन सब में विद साइन की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि हमको पता चल गया इसी तरफ है, तो फोर्स का डायरेक्शन पहले से बताया तो हमने बस मैग्नीट्यूड रखा, क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। एफ ए थोड़ी अलग आएगी, यानी फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए विल बी के क्यू क्यू स्क्वायर, है ना, मतलब क्यू इंटू क्यू। और ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों इस बार, तो ये डिस्टेंस है ना आर, ये हो गया इनके बीच का डिस्टेंस, ये कितना हो गया आर, डायगनल, डायगनल की वैल्यू कितनी होती है ए रूट टू, तो ये हो जाएगा ए रूट टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना इनके बीच का डिस्टेंस, ये डायगनल कितना हो गया ए रूट टू, ए रूट टू, ए रूट टू का होल स्क्वायर। सो दिस विल कम आउट टू बी के क्यू स्क्वायर, ए रूट टू का स्क्वायर टू ए स्क्वायर, बोला सही है। तो अब इस पे सी पे लगने वाली तीन फोर्सेस हैं, एक इस तरफ फोर्स ड्यू टू डी, एक इस तरफ फोर्स ड्यू टू बी, और एक ए वाली, उसको जरा छोड़ दो। अगर डी और बी वाली को फोर्सेस देखो तो दोनों सेम है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दीज बोथ फोर्सेज आर सेम। पहले इन दोनों का और रिजल्टेंट निकाल लेते हैं भाई, तीन फोर्सेज जोड़नी है, ये तीन फोर्सेज जोड़ने का एक तरीका ये है कि पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, पहले इन दोनों का आंसर निकाल लो, उसको फिर इसमें देखा जाएगा, जोड़ा ओड़ा जाएगा, देखते हैं क्या होता है। पहले इन दोनों का आंसर निकालते हैं। तो ये दो फोर्सेज कितने पे लगी हैं, 90 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, एफ रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब पहली वाली फोर्स का स्क्वायर दूसरी वाली फोर्स का स्क्वायर, प्लस टू ए बी कॉस थीटा। बताओ, हाँ तो क्या बोला था मैं, हाँ इन दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है ना, दोनों को एफ एफ ले लूं। अच्छा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इन फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, यानी बाहर आएगा f रूट 2, f रूट 2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा f रूट 2। अच्छा ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, यानी रिजल्टेंट एकदम बीच से निकलेगा ऐसे, एकदम मिड में f रूट 2, कितने एंगल पे 45 डिग्री पे है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया f रूट 2, f की वैल्यू हमें पता है बाद में रखी जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो इसी की लाइन में तो आया, एफ सी पे यानी सी पे लगने वाली अगर नेट फोर्स की बात करें तो वो होगी फोर्स ड्यू टू बी, फोर्स ड्यू टू डी एंड फोर्स ड्यू टू ए। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि सभी की वजह से जो फोर्स लग रही है वो जोड़ दें इसमें हम, है कि नहीं है? तो आपने इसका और इसका रिजल्टेंट तो निकाल लिया, कितना आ रहा एफ रूट टू प्लस एफ ए, और ध्यान से देखो तो एफ ए और इन दोनों का रिजल्टेंट एफ रूट टू का डायरेक्शन भी सेम है, जब डायरेक्शन सेम है तो फोर्स को आप सीधा सीधा ऐड कर सकते हो,
भाई दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो सीधा सीधा जोड़ दो, यानी आंसर हो जाएगा एफ रूट टू प्लस एफ ए। एफ ए कितना है, ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, और एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर बचेगा रूट टू प्लस वन बाई टू एंड दैट इज द आंसर, एंड फाइनली द फोर्स विल बी टूवर्ड्स ए। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट टू प्लस वन बाई टू। कई किताब में टू को एलसीएम ले लेगा, टू रूट टू प्लस वन बाई टू लिखेगा, वो भी सही है। कई किताब में क्या करता है, टू को एलसीएम ले लेता है, टू को यहाँ लिख लेता है, टू रूट टू प्लस वन लिखता है, कई लोग इसमें भी जा रहते हैं और उसका लड़ भी जाते हैं टीचर से कि आपने ये बात नहीं बताई हमको, ये बात भी हमको बतानी चाहिए, रोने लगते हैं लोग क्लास में, ए सर आपने ऐसा नहीं बताया, आपको मेरी परवाह नहीं, यू डोंट केयर फॉर मी। ओके क्लियर, तुम भी ऐसा तो नहीं करते, दिल ही दिल में कहते हो, मुंह पे कैसे बोले। अच्छा तो ये हो गई नेट फोर्स, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए। मिटा दें, मिटा दें, ओके। इसी में एक और प्यारा सवाल करा दें ऐसे ही स्क्वायर का, जरा देखो यार इसमें अनगिनत सवाल बन सकते हैं। जैसे मान लो एक स्क्वायर का सवाल ऐसा बना दिया मैंने, ये सब किताब में दिए हुए हैं, सब बोर्ड लेवल के सवाल है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहाँ बीच में एक चार्ज रखा प्लस कैपिटल क्यू एकदम सेंटर पे, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, जीरो। जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का अगल बगल और सेंटर पे एक चार्ज रख के फोर्स पूछे, जीरो, टेंशन नहीं, बहुत आसान है। देखो ये वाला इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, दोनों बराबर फोर्स होंगी, काहे डिस्टेंस बराबर चार्जेस बराबर, ये वाला इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, सारी फोर्सेस कैंसिल हो गई, ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, नेट फोर्स जीरो। कभी भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसके बीच में कोई चार्ज रख के टोटल फोर्स पूछे उसके ऊपर, जीरो, नहीं समझ में आया। जैसे मान लो इसको बोले ए, इसको बोले बी, इसको बोले सी, इसको बोले डी, ए ए ए ए, और यहां पे हमसे बोल दिया मान लो प्लस चार्ज क्यू रखा है, पूछा इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी, चलो मान लेते हैं ये डिस्टेंस आर है, तो भाई एक फोर्स डी लगाएगा ऐसे, है कि नहीं, रिपेल करेगा, एक फोर्स बी लगाएगा ऐसे रिपेल करेगा, एक फोर्स ए लगाएगा ऐसे रिपेल करेगा, एक फोर्स सी लगाएगा ऐसे रिपेल करेगा, हाँ या ना। तो भाई ये सारी फोर्सेस कैंसिल हो जाएगी, काहे ये वाली वैल्यू क्या होगी इस फोर्स की, एफ डी की वैल्यू क्या होगी, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एफ ए की वैल्यू बोलो, एफ ए के क्यू क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस भी तो आर होगा, सब बराबर ही तो होगा ये डिस्टेंस, अपॉन आर स्क्वायर, तो सब कैंसिल होने लगेगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एफ बी भी वही होगा, एफ सी भी वही, समझ में आ रहा है। तो कभी भी सिमेट्रिकल चार्ज, कैसा भी सिमेट्रिकल चार्ज, मान लो ऐसे यही सवाल मान लो ऐसे पूछा जाता, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ इसके सेंटर में मान लो रख दे माइनस क्यू, पूछे सेंटर वाले चार्ज पे फोर्स कितनी, जीरो। मान लो एक रिंग दी है, बोला रिंग पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रिंग पे यूनिफॉर्मली हमने प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, मुझे पता है कि इस पे कूलम्स लॉ नहीं लग रहा, बट जो कंसेप्ट बता रहे हैं वो तो पकड़ लो, और पूछ ले यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू रखा या प्लस क्यू रखा, कुछ भी रखा, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी है, जीरो। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर पे जो भी चार्ज रखोगे उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो। तो सवाल ये अच्छा बनता ही नहीं, अच्छा सवाल क्या बनेगा, अगर इसी सवाल में थोड़ा सा वेरिएशन करके सीलाइट सा, कैसा सीलाइट सा वेरिएशन, सीलाइट सा वेरिएशन, सीलाइट सा प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहां सेंटर पे एक चार्ज रख दिया कैपिटल प्लस क्यू, अब पूछा व्हाट इज द नेट चार्ज, अब यार सिमेट्रिकल नहीं है, देखो प्लस 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 यहां माइनस है, सिमेट्री नहीं रही, पूछ लिया फाइंड स्क्वायर, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट सेंटर, खुद से करेंगे, चलिए खुद से बताइए, ट्राई करिए, व्हाट विल बी द नेट फोर्स, मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ ये वाला, चलो खुद से ट्राई करो, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर वन के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ऑप्शन टू के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ऑप्शन सी एट के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ऑप्शन डी फोर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, कुछ छूट तो नहीं रहा, हाँ
के क्यू क्यू अपॉन स्क्वायर। चलो खुद से ट्राई करो। हमने घर छोड़ा है, रिश्तों को तोड़ा है। आप सब ने अपना घर छोड़ा, आप सब ने अपना प्यार छोड़ा, आप सब ने अपनी दोस्ती छोड़ी, मेहनत की कुछ अचीव करने के लिए, और उसके लिए चाहिए होगी कंसिस्टेंसी। हर दिन उस लोहे पे ऐसे ऐसे मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, गिव अप नहीं करो, चलते रहो, चलते रहो, करते रहो, करते रहो। चलो आ जाओ भाई, हो गया सवाल। क्या मैं नाम दे दूँ इसका, ए आर बी आर सी आर डी? चलो मैं करने जा रहा। चलो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ए वाला फोर्स ऐसे लगाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव बी वाला फोर्स ऐसे लगाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी रिपेल करके फोर्स ऐसे लगाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव यानी ये रिपेल सॉरी अट्रैक्ट करेगा। बोलो समझे? मार्कर और मार्कर का ढक्कन गिरे बिना लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। ए वाले ने इसको रिपेल किया, बी वाले ने रिपेल किया, डी वाले ने डी वाले ने रिपेल किया और सी वाले ने अट्रैक्ट किया। सो फाइनली हम यहां बना सकते हैं, दिस इज फोर्स ड्यू टू डी, दिस इज फोर्स ड्यू टू बी, दिस इज फोर्स ड्यू टू ए, एंड अलोंग द सेम लाइन इज द फोर्स ड्यू टू सी। सी ने अट्रैक्ट किया, ए ने रिपेल किया, तो ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। भाई सेम आएगी कि नहीं फोर्सेस, जरा चेक कर लो। इस डिस्टेंस को आर मान लेते हैं। चलो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। आर कितना हो जाएगा? आर इज हाफ ऑफ डायगनल, आर इज भाई ये डायगनल है उसका हाफ, हाफ कितना हो जाएगा? ए रूट टू डायगनल होता है डिवाइड बाई टू, तो कितना हो गया? नीचे टू को लिख सकते हो रूट टू, रूट टू एक रूट टू कैंसिल, ए बाई रूट टू। समझ में आ रहा है? ये ए बाई रूट टू, ये ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू आर की वैल्यू। चलो अगर हम बात करें सभी फोर्सेस की, एफ बी की मैं बात करूं तो एफ बी पे आपका अकाउंट होगा के फोर्स ड्यू टू बी के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाई ए आर। यही मेरे ख्याल से एफ डी की वैल्यू होगी, यही मेरे ख्याल से एफ ए की वैल्यू होगी, यही मेरे ख्याल से एफ सी की वैल्यू होगी, सभी तो सेम है। अरे भाई इसकी वजह से फोर्स के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब माइनस प्लस मत देखो, माइनस की वजह से तो बस डायरेक्शन चेंज हुआ, यानी ये फोर्स इक्वल अपोजिट कैंसिल हो गई और ये दोनों ऐड हो जाएंगी F और F, यानी जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा FC plus FA, और दोनों बराबर हैं तो F और F लिख के 2F लिख दें। इन सब को मैं बोल दूं equal to F। बोलो समझ में आ रही है कुछ बात? KQQ upon R square, KQQ upon सब बराबर है। मैंने कहा ये कैंसिल होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एक F F add okay 2F, so 2 into F की वैल्यू KQQ upon R square। ये कितना है? के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, दोनों ऐड हो गया के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू रख दो, सवाल खत्म। के क्यू क्यू आर की वैल्यू है ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर होएगा टू, टू ऊपर जाके बन जाएगा फोर, वन टू का फोर, फोर टू का वन, फोर के क्यू बाई स्क्वायर। बोलो सही। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स सी अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग ए सी। चार ऑप्शन में इसमें भी कंफ्यूज कर सकता है, टुवर्ड्स सी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए सी। तो इस तरह से आप बहुत सवाल बना सकते हो जिसमें डायग्राम का यूज और वेक्टर का यूज है ना, एडिशन वगैरह का यूज आपको करना पड़े। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसने रिपेल किया, इसने रिपेल किया, इसने रिपेल किया, इसने अट्रैक्ट किया, ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट कैंसिल, ये दोनों सेम डायरेक्शन में बराबर हैं, एफ एफ मिलके 2F, एफ की वैल्यू वो निकाली के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है? डायगनल का आधा, डायगनल ए रूट टू बाई टू, टू को रूट टू, रूट टू, रूट टू से कैंसिल, ए बाई रूट टू, मिटा दे। ओके, तो ये पॉलीगन टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा। और एक तरह का न्यूमेरिकल आता है जिसमें पूछता है कि दो चार्ज के बीच में थर्ड चार्ज कहां पे रखें कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो, यानी एक दूसरा टाइप होता है जिसमें थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप, एक इस टाइप का सवाल आता है, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। इसमें क्या करेगा? आपको दो चार्ज देगा और पूछेगा तीसरे चार्ज को कहां पे रखें
कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो, मतलब वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब उस पर लगने वाली टोटल फोर्स जीरो हो। जैसे सवाल ले लेते हैं, मैं बना के दूं सवाल आपको, नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, उसका पीडीएफ आपको हो सकता हो 3 दिन 1 हफ्ते के अंदर मिले, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मैं बना दे रहा हूं, बता भी दे रहा हूं। मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू और एक है प्लस 4q, ठीक है। और मान लो बोल दिया इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो हमसे बोल दिया है यल, एल फॉर लव, है ना, यल। हमसे कहा कि तीसरा चार्ज कहां पे रखें, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 1 and 2, इसको 1 बोला इसको 2, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 1 and 2 सच दैट द थर्ड चार्ज इन इज इन इक्विलिब्रियम, वेयर शुड वी कीप अ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस सच दैट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, ऐसा कहा रखें। और तीसरा चार्ज कैसा है ये भी नहीं बताया, प्लस है कि माइनस है, ठीक है। तो इस तरह के एक सवाल आते हैं, इनको कैसे डील करना है। मान लेते हैं जो तीसरे चार्ज की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव भी मानोगे तो भी आंसर सेम आएगा, पॉजिटिव मानोगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मान लेते हैं चलो तीसरा चार्ज जिसकी बात की है वो पॉजिटिव है, लेट आर थर्ड चार्ज बी, लेट थर्ड चार्ज बी क्यू। हमसे बोला है तीसरा चार्ज क्यू है जिसको लाइन ज्वाइनिंग 1 2 पे रखना है, मतलब इस लाइन पे कहीं रखना है, और ऐसा रखो कि वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, यानी उस तीसरे चार्ज पे लगने वाली कुल फोर्स, टोटल फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो। चलो सोचते हैं, मैंने सोचा तीसरे चार्ज को मैं यहां रखूंगा, भाई लाइन ज्वाइनिंग है, कहां थोड़ी ना बीच में रखो, लाइन ज्वाइनिंग पे बोला है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे, पहले तो ये सोचना है कहां पे रखें। अगर हम यहां पे रखते हैं तो फर्स्ट वाला उसको रिपेल करेगा, यानी ये फोर्स लगेगी ड्यू टू 1, सेकेंड वाला भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो वो भी रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू 2। ये दोनों इसको इसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती, मतलब ये पोजीशन पॉसिबल नहीं। इसी तरह से अगर यहां रखने की कोशिश करो प्लस क्यू को, तो फर्स्ट वाला इसको रिपेल करेगा ऐसे, सेकेंड वाला भी रिपेल करेगा ऐसे, अभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती, दोनों फोर्सेज एक तरफ है, यानी एक ही जगह बचती है, कहीं बीच में रखना होगा। अगर मैं इसको कहीं बीच में रख के देखूं तब शायद बात बन जाए, फर्स्ट वाला इसको रिपेल करेगा ऐसे F1, सेकेंड वाला भी इसको रिपेल करेगा पर ऐसे F2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल होने का चांस बन सकता है। तो एक बात समझ लो, अगर दो चार्ज सेम तरह के हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, तो नेट फोर्स थर्ड चार्ज पे तभी जीरो होगी जब आप उसको बीच में रखो, ठीक है, जब दोनों चार्ज सेम, अभी अपोजिट तरह होते तो कहानी बदल जाती। अगर दो चार्ज कैसे हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो क्यू हमेशा कहां रहेगा, उनके बीच में रहेगा। प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो क्यू इज ऑलवेज इन बिटवीन। थर्ड चार्ज को आपने प्लस क्यू क्यों लिया, माइनस क्यू क्यों नहीं लिया, माइनस ले लो, माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। माइनस क्यू यहां रखोगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों की फोर्सेस डायरेक्शन में हो गई। मतलब तीसरा चार्ज जो आपने प्लस क्यू अज्यूम किया है उसको मान लो आप माइनस क्यू अज्यूम करते, यहां माइनस क्यू रखते, तो 1 वाला भी उसको अट्रैक्ट करता, 2 वाला भी, नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती। माइनस क्यू को यहां रखते, 1 भी अट्रैक्ट करता, 2 भी अट्रैक्ट करता, तब भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती थी। माइनस क्यू को बीच में रखते तो 1 उसको इधर अट्रैक्ट करता, 2 इसको इधर अट्रैक्ट करता, और नेट फोर्स जीरो हो जाता। तो चाहे माइनस लो चाहे प्लस लो, रखना कहां पड़ेगा, बीच में, अगर दो सेम काइंड के चार्ज है। कहां पे रखा, मान लेते हैं छोटे वाले से x डिस्टेंस पे रखा, तो बड़े वाले से कितना डिस्टेंस हो गया, l माइनस x, छोटे वाले से x डिस्टेंस पे, बड़े वाले से l माइनस, ठीक है, छोटे के पास रखना पड़ेगा, क्यों, अरे यार फोर्स की जो वैल्यू होती है, ज्यादा तो नहीं बता रहा मैं, वो होती है k q1 q2 / r2। अरे यार ये चार्ज छोटा है ना, वैसे ही बेचारा फोर्स नहीं लगा पा रहा उस पर, छोटे से है, अरे हमारे पास तो रख दो भाई, इसकी इसकी बराबरी होनी है, ये बहुत अमीर है, ही इज वेरी रिच,
एंड सी इज पुअर। हाँ सर फेमिनिज्म नहीं, अरे ठीक है हाँ, ये बहुत पुअर थी। इसने क्या कहा कि मेरे पास तो रखो तब मैं बताती हूँ। तो इसने इसको अपने पास रख के ज्यादा फोर्स लगाई ताकि F1 F2 को काट सके। अरे भाई साहब इसको बीच में रखोगे तो इसकी फोर्स कम हो जाएगी ना, और इसके पास रखोगे तो इसकी फोर्स ज्यादा हो जाएगी। इसके पास रखा, इसने अपनी फोर्स थोड़ी बढ़ा ली डिस्टेंस फैक्टर से। एनीवेज अभी मैंने एक्स ही लिया है, अभी तो पता नहीं कि एक्स छोटा बड़ा। ठीक है, अब हमने बोला कि ऐसी जगह पे क्यू रखा है कि इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब क्यू पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, मतलब जितनी राइट में उतनी लेफ्ट में, यानी F1 की वैल्यू F2 के बराबर हो जाएगी मैग्नीट्यूड में। F1 की वैल्यू बोलो, फोर्स ड्यू टू वन ऑन दिस इज विल बी के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्स्ट की वजह से इस पे कितनी फोर्स, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। टू की वजह से इस पे कितनी फोर्स, के फोर क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बोलो, के मरा के से, क्यू मरा क्यू से, क्यू मरा क्यू से स्वाहा, एल माइनस एक्स बटे एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। जस्ट सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर। जस्ट सॉल्व दिस, चलो बोलो क्या आ रहा, एल माइनस एक्स बटे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस दू। ये चा है, चा को जब अंडर रूट लोगे तो चा पीने में मजा आता है, तो रूट प्लस माइनस टू आएगा कि नहीं। सो एल माइनस एक्स बटे एक्स इज इक्वल टू या तो प्लस टू, एल माइनस एक्स बटे एक्स इज इक्वल टू या तो माइनस टू। यहां से एल माइनस एक्स का वैल्यू 2x होगा, ये इधर आएगा 3x हो जाएगा, एक्स का वैल्यू एल बाई 3 आएगा, और यहां से ये इधर जाएगा माइनस 2x होगा। फिर आय हाय सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2x होगा, इधर जाएगा 2x माइनस x, x हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस l, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। भाई x आपने यहां से मेजर किया है ना, इस जगह से ऐसे x माइनस l मतलब पीछे चलेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, l बाई 3 नहीं विश्वास है तो l बाई 3 x की वैल्यू रख के फोर्स निकाल के चेक कर लो। आया ना इसके पास में, ये l बाई 3, ये 2l बाई 3। अरे ये l बाई 3 होगा तो ये 2l बाई 3 होगा कि नहीं, इसके पास आया कि नहीं आया, छोटे वाले के पास आएगा तभी तो फोर्स ऐसी, चार छोटा है फोर्स ऐसी और बराबरी उसकी फोर्स से करा रहे हो हैं, तो पास तो दो हमारे तभी तो करेंगे हम। क्लियर है? तो जब भी दो सेम टाइप के चार्जेस हों और नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज जीरो करनी हो तो उसको बीच में रखेंगे और आंसर अपने आप ऐसा आएगा कि छोटे चार्ज के पास में होगा। इसका शॉर्टकट भी लगा सकते हो आप, शॉर्टकट क्या लगाना है, अगर तभी लगाओगे जब सेम चार्ज की कहानी हो, अगर दो चार्जेस सेम हो और पूछे थर्ड चार्ज को कहां रखें, तो आप बीच में रखोगे नियर टू दी स्मॉलर चार्ज, नियर टू दी स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज वेयर थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू वन अपॉन अंडर रूट क्यू टू प्लस अंडर रूट क्यू वन मल्टीप्लाइड बाई एल, वेयर क्यू वन इज स्मॉलर चार्ज। ये शॉर्टकट भी लगा सकते हो, ये तो फेमस सवाल है घिसे पिटे, अंडर रूट क्यू वन अपॉन अंडर रूट क्यू टू प्लस अंडर रूट क्यू वन इंटू एल। चेक कर लो, चेक तो करेंगे ही सर, आप पे भरोसा थोड़ी ना किया है हमने। x कहां से डिस्टेंस है, स्मॉलर चार्ज से, किसका, थर्ड चार्ज जो कि इक्विलिब्रियम में आना है। आने वाला चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ऊपर अंडर रूट क्यू वन, क्यू वन क्या है स्मॉलर चार्ज, यानी ऊपर हो गया क्यू, नीचे अंडर रूट क्यू टू फोर क्यू प्लस अंडर रूट क्यू मल्टीप्लाइड बाई एल, तो रूट क्यू कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा वन, नीचे रूट फोर की वैल्यू होगी टू और यहां बचेगा वन, टू प्लस वन थ्री बाई थ्री इंटू एल, एल बाई थ्री। बोलो सही है, अंडर रूट क्यू वन अपॉन अंडर रूट क्यू टू, क्यू टू की वैल्यू कितनी है फोर क्यू, रूट क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये वन, ये फोर, रूट फोर टू और ये वन बचेगा, टू प्लस वन थ्री, थ्री बाई थ्री। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जब दो चार्जेस सेम टाइप के, दोनों माइनस भी हो सकते थे, बीच में रखने प्लस भी हो सकता है माइनस भी, इस टाइप का सवाल समझ में आया। अब इसी का एक दूसरा केस लेंगे, क्या या तो दोनों प्लस होते या तो दोनों माइनस होते, दोनों माइनस वाला आप खुद से ट्राई कर लेना। कैसे ट्राई करेंगे, विथ सेम वैल्यू ट्राई कर लेना, ठीक है ना, विथ सेम वैल्यू एक बार माइनस में ट्राई कर लेना। अब बात करते हैं जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, इसको मिटा दें, ओके। नियर टू द स्मॉलर चार्ज क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, अरे भाई उसको रिपल, अरे भाई उसको रिपल करना भाई,
अरे फोर्स की बराबरी करनी है, उसकी कोई बराबरी है नहीं। अब ऐसा ले लेते हैं कि दो चार्ज अपोजिट इन साइन हो जाए। एक को मैंने ले लिया यम 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 प्लस क्यू, एक को मैंने लिया यम 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 माइनस क्यू, ठीक है माइनस नाइन क्यू। ठीक है वैल्यूज ऐसी ले रहे कि आंसर आ जाए आपका, देख रहे हो स्क्वायर स्क्वायर की कहानी है, तो ऐसी वैल्यू सेट की गई कि आंसर आ जाए। इनके बीच का डिस्टेंस यल, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आज वही है सवाल, कहाँ पे थर्ड चार्ज को रखें सच दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, वेयर टू कीप द थर्ड चार्ज सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। Where to keep a third charge so that it is in equilibrium. इसको बोल देते हैं फिर से first, इसको बोलते हैं second. इस बार एक plus है एक minus है, तो मैंने बोला अगर दोनों का same sign हो तो बीच में, और जब opposite side है तो बाहर। जब same sign होता है तो charge कहाँ रखते हैं? बीच में। opposite sign तो बाहर। विश्वास नहीं है? नहीं है सर, कभी नहीं होता। चेक करते हैं, पहले बीच में रखते हैं। क्या ले लिया जाए? Let third charge जिसकी बात हो रही है उसको मान लेते हैं प्लस क्यू। माइनस क्यों मानोगे सर? प्लस मान लो, माइनस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस क्यों, चलो बीच में रखते हैं इस बार, पहले है ना उल्टा करते हैं। प्लस क्यों तो बीच में रखा, चलो फर्स्ट वाला उसे क्या करेगा? रिपेल, पॉजिटिव है एफ वन। सेकेंड वाला उसे क्या करेगा? अट्रैक्ट। क्या इस पे नेट फोर्स जीरो हो सकती है? बिल्कुल नहीं भाई, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन है। माइनस लेना चाहो माइनस लेके, यहां माइनस क्यों रखो? फर्स्ट वाला उसे अट्रैक्ट, सेकेंड वाला उसे रिपेल, फोर्स इधर हो जाएगी। मतलब बीच में पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बाहर रखने की कोशिश करें, यहां रख के देखें। आओ यहां रखा प्लस क्यू, फर्स्ट वाला उसे रिपेल किया, सेकेंड वाला उसे अट्रैक्ट किया। यस यहां हो सकता है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, वहां भी तो हो सकता है। अगर यहां रखे प्लस क्यू तब क्या होगा? फर्स्ट वाला उसको रिपेल करेगा रे इधर रे, सेकंड वाला उसको ट्रेड करेगा इधर रे, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब बताओ कहां रखें भाई? सब यहां पे भी तो ये प्लस वाला इसको रिपेल किया, माइनस वाला ट्रेड किया। अच्छा अब एक बार बताओ, दोनों के फोर्स की बराबरी करनी है कि नहीं? मतलब इस क्यू चार्ज पे दोनों की लगाई हुई फोर्स बराबर हो। इन दोनों में से रिच कौन है? वैल्यू वाइज तो यही रिच है ना, नेगेटिव ही सही, बादशाह तो है, बहुत ज्यादा है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कम है। तो कहेगा हम इतनी दूर तुम पे इतनी फोर्स लगा ही नहीं पाएंगे कि इसकी फोर्स की बराबरी कर पाए। एक तो भाई हमको तुमने वैल्यू छोटी दी, और हमसे कहेगा हम इतनी दूर आके तुम पे इतनी फोर्स लगा दें कि इसकी फोर्स की बराबरी कर ले, ये हमसे ना हो पाएगा। पास आओ यहां, अब ठीक है हमारी वैल्यू छोटी है पर हमारे तुम पास में हो, उससे तुम दूर में हो, अब हम बराबरी कर सकते हैं। सो थर्ड चार्ज विल बी केप्ट नियर टू स्मॉलर चार्ज बट आउटसाइड द टू चार्जेस, बीच में नहीं। अगर अपोजिट साइन के चार्जेस हैं और पूछा है थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो थर्ड चार्ज कहां होगा? आउटसाइड होगा। थर्ड चार्ज कहां होगा? आउटसाइड। और कहां पे होगा? नियर टू स्मॉलर चार्ज। क्लियर है एकदम 100%? यहां पे भी दिखने में तो लग रहा है कि फोर्स जीरो हो सकती है, बट जरा सोचो क्या इससे इतनी दूर आके ये इसकी फोर्स की बराबरी कर पाएगा? इसकी वैल्यू भी ज्यादा, 9q इंटू क्यू, और ये क्यू इंटू क्यू रहेगा, इसका डिस्टेंस भी कम, भाई ये बहुत फोर्स लगा देगा, इतनी फोर्स लगाएगा संभाल ही नहीं पाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब ये थोड़ी ना कि बराबर कर लेंगे। अब हो सकती है बराबरी, हम छोटे हैं पर हमारे पास में है, हमारा इफेक्ट भी तुम्हारे इफेक्ट के बराबर हो सकता है, हो सकता है भगवान ने हमको वैल्यू कम दी है पर डिस्टेंस तो क्लोज दिया है। यानी एट दिस पॉइंट दिस कैन हैपन, लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स। इस जगह पे क्यू किस में है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब क्यू पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो होगी। क्यू के साइन से इस सवाल का कोई मतलब नहीं, क्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी। एफ वन इज इक्वल्स टू एफ टू लिख लेंगे, फोर्स ड्यू टू वन हो जाएगी के क्यू क्यू अपॉन फोर्स ड्यू टू वन, के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू टू, टू के लिए के साइन नहीं रखना है, 9q इंटू क्यू, टू की फोर्स इस पे देखनी है ना फोर्स, तो टू की वजह से इस पे कितनी फोर्स हो जाएगी? के इंटू 9q इंटू क्यू, और टू से डिस्टेंस कितना है? एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। टू से कितना दूर है? एल प्लस एक्स, इससे एक्स।
फिर से के क्यू 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 मर गए एल प्लस एक्स अपन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। एक होगा एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3, एक होगा एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3। यहां से आएगा एल प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x 2x x इज इक्वल्स टू एल बाई 2। मिल गया, यहां से कितना दूर, एल बाई 2। यहां से एल की x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब, इस बार देखो तुम x ये ले रहे हो ना, नेगेटिव मतलब गलत आ रहा है ऑप्शन आपका। नेगेटिव कितनी आएगी देखो, एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस 3x। यहां से ये हो जाएगा माइनस 4x, x इज इक्वल्स टू माइनस एल बाई 4। अब की बार आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव माना ना, इधर ऐसे आपने x लिया और ऐसे ही l प्लस एक्स, माइनस एल बाई 4 मतलब बीच में कहीं। माइनस एल बाई 4 का मतलब समझो, मुझे पता है आप सोच रहे हो इन दोनों में से यही क्यों सही है, बता रहे हैं हम, सुनोगे तब ना। माइनस एल बाई 4 अगर यहां पे रखोगे तो l माइनस एल बाई 4 होगा। x की वैल्यू अगर माइनस एल बाई 4, अगर मैं इसको सही मान लू, ठीक है मैं सॉल्व कर रहा हूं आपकी प्रॉब्लम, अगर l बाई माइनस एल बाई 4 मान लें तो यहां क्या x की जगह माइनस एल बाई 4, इसका मतलब इससे डिस्टेंस हो गया l माइनस एल बाई 4, l माइनस एल बाई 4 कहीं बीच में होगा, यानी डेफिनेटली ये सजेस्ट कर रहा है बीच वाला ऑप्शन जो कि गलत है। समझ में आया, l माइनस एल बाई 4, L by 4 इसमें से माइनस करोगे यानी 9 क्यू से कितना दूर हो गया, L माइनस L बाई कहीं बीच में, ये नहीं तो ये वाला सही है। क्लियर है? तो जब दो अपोजिट चार्ज मिले तो थर्ड चार्ज कहीं बाहर रखना पड़ेगा। किस तरफ बाहर रखोगे, स्मॉलर चार्ज के पास। इसका भी शॉर्टकट हो सकता है, इसका भी शॉर्टकट हो सकता है। क्या होगा शॉर्टकट, कहां लिखूं, यहां लिखूं शॉर्टकट में कि पहली चीज तो कहां पे होगा, इस बार आंसर आपका बाहर होगा, और कहां होगा, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज होगा, और इस बार x की वैल्यू होगी अंडर रूट क्यू वन अपॉन अंडर रूट क्यू टू माइनस रूट क्यू वन मल्टीप्लाइड बाय, जब अपोजिट साइन है तो नीचे माइनस लगा दो, वेयर क्यू वन इज स्मॉलर चार्ज, अगेन क्यू वन इज स्मॉलर। पिछली बार क्या लिखा था मैंने फॉर्मूला, अंडर रूट क्यू वन अपॉन अंडर रूट क्यू टू प्लस क्यू वन, जब सेम है तो प्लस करो, अपोजिट है तो नीचे माइनस, और ऊपर कौन सा चार्ज रखना है रूट में, स्मॉलर, चेक करना है, चेक कर लो। बाहर होगा ये तो समझ में आ रहा है एकदम लॉजिक से, एक्स इज इक्वल्स टू रूट क्यू वन छोटा चार्ज क्यू, नीचे रूट क्यू टू माइनस क्यू वन इंटू एल, रूट क्यू रूट क्यू रूट क्यू कैंसिल, ऊपर बचेगा वन, नीचे रूट नाइन की वैल्यू होगी 3, ये होगा 1, 3 माइनस 1 इज 2, एल बाई 2, एल बाई 2 कहां, बाहर किसके पास, स्मॉलर चार्ज के। तो अगर दो सेम टाइप के चार्ज हो तो क्यू टू प्लस क्यू वन, अपोजिट हो क्यू टू माइनस क्यू वन, रूट में रहनी है सारी वैल्यू, ऊपर रखना है स्मॉलर चार्ज। क्लियर है एकदम पक्का, इसको अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लेना ये कंसेप्ट, ठीक है। शॉर्टकट भी बता दिया अगर कंपटीशन में आता है तो, और बोर्ड में आता है तो पूरा इस मेथड से करना पड़ेगा। इसका फील दे दिया है, क्यों नहीं हो सकता ना, यहाँ पे रख के चेक कर लो। ऐसी पिछली बार में फील जो दिया था वहां एल माइनस एक्स था, जो दूसरी बार नेगेटिव थी, नेगेटिव यहाँ रखोगे ऐड हो जाएगा मतलब बाहर चली गई। पिछली बार वाले का भी फील ले सकते हो, एक एक्स नेगेटिव आया था पिछली बार भी, तो पिछली बार यहाँ एल माइनस एक्स था, अगर उसको माइनस को रखोगे तो प्लस हो जाएगा मतलब वैल्यू बाहर जा रही थी, पिछली बार बीच में होना था। ट्राई करना इसको, कंसेप्ट देख लिया। अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां रखूं तो l माइनस एल बाई 4 मतलब इससे डिस्टेंस l से कम हो गया मतलब बीच में, जो कि पॉसिबल नहीं है, मिटा दे। ओके, तो ये था थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप सवाल। तो यही सब सवाल बन सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, कि तीसरे चार्ज कहीं टेढ़ा मेढ़ा करके रख देगा, उस पर नेट फोर्स जीरो है या जीरो नहीं है, ये सारी चीजें पूछ लेगा। अब एक ले लेते हैं अपन, थोड़ा सा जेई मेंस लेवल का सवाल ले लेते हैं, जेई मेंस एडवांस है ना, आईआईटी जेई लेवल का, नीट लेवल का, नीट में तो यहां तक से भी आ सकता था, एक नीट लेवल का ही सवाल भी नीटी लेवल का होगा, सब में आ सकता है, बेसिक सा सवाल है। थोड़ा सा इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक करते हैं, एसएचएम मिलाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें अब एसएचएम मिलाते हैं। कैसे, मान लो एक चार्ज यहां पे प्लस क्यू है, अब कई लोग एसएचएम ही नहीं पढ़े हैं,
इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, टाइम पीरियड ऑफ SHM, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM, ये लेक्चर आपको सर्च करना है, टाइम पीरियड ऑफ SHM, तो उसमें मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, अभी तो वन शॉट बना नहीं SHM का, शायद बन जाए जब तक आप ये पढ़ो, पता नहीं। दो चार्ज प्लस क्यू है, और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू, दो सिमिलर चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड टू ए डिस्टेंस अपार्ट, इनके बीच में एकदम मध्यांतर में, इनके मध्यांतर में ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, इनके मध्यांतर में हमने एक चार्ज रखा क्यू नॉट, यहां से कितने डिस्टेंस पे ए, यहां से कितने डिस्टेंस पे ए, क्या ये चार्ज अभी इक्विलिब्रियम में होगा, टेल मी टेल मी टेल मी, क्यू नॉट किस में होगा अभी, इक्विलिब्रियम में, भाई दोनों से बराबर डिस्टेंस पे, जितना ये रिपेल करेंगे उतना ये, इसको अगर वन बोल दें, इसको अगर टू बोल दें, तो जितना ये रिपेल करेंगे उतना ये, या जितना ये अट्रैक्ट करेंगे उतना वो, अभी क्यू नॉट का साइन भी नहीं दिया, मान लो तुम सवाल में जो चाहे मान लेना, दोनों में आंसर सेम आएगा, कई बार बता चुके हैं, तो अभी तो इक्विलिब्रियम में होगा मस्त, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर हैं, तो बीच में इक्विलिब्रियम मिला, सवाल ये नहीं, सवाल ये है इफ क्यू नॉट इज स्लाइटली, स्लाइटली मतलब बहुत थोड़ा सा, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग लाइन ज्वाइनिंग वन एंड टू टूवर्ड्स any charge towards any of the charges show that Q naught executes SHM and find time period of such SHM. अगर इस Q नॉट को इस लाइन पे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें, देखो अगर इसको मैं Q नॉट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके मान लो यहां लाके छोड़ दिया, थोड़ा सा ही तो बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बना, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया मान लो इधर, अब क्या होगा, अब इसकी फोर्स बढ़ जाएगी, मान लो ये पॉजिटिव है, मान लिया मान लो ये पॉजिटिव, अभी तो फोर्स जीरो थी, जब यहां लाके छोड़ोगे मान लो ये पॉजिटिव है, तो अब ये वाला इसको ज्यादा रिपेल करेगा क्योंकि इसके पास आ गया, ये वाला उतना रिपेल नहीं कर पाएगा, तो जैसे ही आप यहां लाके छोड़ोगे जरूर ये वापस भागेगा कि नहीं, सोचो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में था, दो चार्जेस के बीच में, आपने उसको इस तरफ शिफ्ट किया तो इसकी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी, मान लिया हमने क्यू नॉट कैसा है पॉजिटिव, तो हमने जब क्यू नॉट को इधर शिफ्ट किया तो इसका रिपल्शन ज्यादा होगा, तो जैसे ही शिफ्ट करोगे ये वापस इधर आएगा, पर पता यहां आके रुकेगा नहीं है, इनर्शिया है ना, इनर्शिया पढ़ते हैं कि नहीं, हम जो चीज चल रही है वो चलते रहेगी, जैसे आप दौड़ रहे हो तुरंत ब्रेक लगाओ नहीं रुकते थोड़ा आगे जाके, तो जब जैसे यहां से छोड़ोगे ऐसे ए तब तक यहां पहुंच गया, जैसे यहां पहुंचा इसकी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी, उसकी कम, भाई इसके पास आ गया, फिर ये कहेगा चलो वापस जाओ ऐसे, भाई इसकी फोर्स ऐसे और इसकी फोर्स ऐसे, इसकी फोर्स जैसे मान लो यहां पहुंचा, तो ये वाला कम रिपल्सन लगा पाए ज्यादा, फिर ये इधर भागेगा, फिर सोचेगा यहां रुक जाए पर, फिर यहां से टाडू करता जाएगा, और ये मोशन कैसा होगा SHM, ये शो करना है और उस SHM का टाइम पीरियड निकालना, ये सवाल है, उस SHM का टाइम पीरियड निकालना है, किया जाए, किया जाए सवाल, प्यारा सा एक आखिरी सवाल, चलिए करते हैं, इसको मिटा लूं मैं, लैंग्वेज समझ में आ गई सवाल की, बीच में रखा था उससे इधर शिफ्ट कर लो या इधर, और शिफ्ट करके छोड़ा तो वापस गया और SHM किया, पूरा प्रूफ करते हैं, मिटा रहे, अच्छा चलो मान लेते हैं कि Q नॉट को आपने इस तरफ शिफ्ट किया बाई स्मॉल डिस्टेंस x, स्मॉल डिस्टेंस x से आपने Q नॉट को यहां ले आए, ठीक है, ये पोजीशन इसकी पुरानी हो गई, यहां ये हुआ करता था अब वहां पहुंच गया है, ठीक है, अब आओ Q नॉट पे नेट फोर्स लगाते हैं, लेट अस फाइंड नेट फोर्स ऑन Q नॉट आफ्टर डिस्प्लेसिंग इट बाई x, where x is very small, where x is very small, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट देंगे, बहुत ज्यादा दोगे तो फिर काम नहीं बनेगा, अच्छा अब Q नॉट पे दो लोग फोर्स लगाएंगे, Q नॉट को पॉजिटिव मान लें, लेट Q नॉट भी पॉजिटिव, नेगेटिव भी मानोगे तो भी सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन Q नॉट पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स ड्यू टू वन, यहां बना लेते हैं, वन Q नॉट पे इधर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव की,
टू इधर फोर्स लगाएगा ट्रिपल सिफ्ट की, कौन सी फोर्स बड़ी होगी, टू वाली बड़ी होगी, क्यू नॉट वहां से पास में है, सो नेट फोर्स विल बी एफ टू माइनस एफ वन, अच्छा एफ टू इसकी वजह से के क्यू क्यू नॉट, किस पे फोर्स निकाल रहे हो, क्यू नॉट पे, तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस। अब देखो ये कितना था ए, दिस वॉज ए और ये x, यानी 1 से कितना दूर हो गया a प्लस एक्स, यहां से देखो 2 से ये कितना था a और x पास आ गया तो 2 से कितना क्लोज हो गया a माइनस एक्स, बोलो समझ में आया, पहले बीच में था यहां से भी a दूर, यहां से भी a दूर, फिर x इधर ले आए तो इससे कितना दूर हो गया a प्लस एक्स, इससे कितना दूर हो गया a माइनस एक्स, तो 2 की बात करें k q q नॉट और इससे कितना दूर है, ये डिस्टेंस कितना होगा a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, f1 की बात करें तो k q q नॉट, फोर्स किस पे देख रहे हैं हम लोग, q नॉट पे, 1 की वजह से और 2 की वजह से, तो 1 की वजह से k q q नॉट अपॉन ये प्लस x का होल स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से k q q नॉट कॉमन हो गया, k q q नॉट कॉमन हो गया 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पूरा एलसीएम बन गया। सो f नेट ऑन q नॉट इज इक्वल्स टू k q q नॉट, एलसीएम हो गया a माइनस एक्स का होल स्क्वायर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर क्या मिसिंग है a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा a माइनस x का होल स्क्वायर, बोलो सही है, इधर ऊपर a माइनस एक्स का स्क्वायर मिसिंग है a प्लस एक्स का, तो इधर ये इधर, अच्छा आगे बढ़े k q q नॉट। अब मुझे बताओ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों कैंसिल होंगे, यहां से प्लस 2ab माइनस 2ab आगे माइनस लगा है, करना पड़ेगा क्या, अरे मन नहीं है बिल्कुल, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाहर आया माइनस, और ये होगा माइनस 2ax बाहर माइनस लगा है प्लस 2ax डिवाइडेड बाय a माइनस x a प्लस x, क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दो, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, इस स्क्वायर को बाहर करो a माइनस x a प्लस x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर, ऊपर क्या किया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस, यहां a स्क्वायर बाहर आया माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में बाहर आया माइनस x स्क्वायर और माइनस 2x बाहर आया प्लस 2x, तो a स्क्वायर कैंसिल x स्क्वायर कैंसिल 2x 2x 4ax, सो k q q नॉट इनटू 4ax अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां तक पहुंचिए फिर आगे बताएं, यहां तक पहुंचिए फिर आगे बताएं, ये मिटा लूं मैं। अच्छा देखो अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो x है दैट इज वेरी 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 स्मॉलर देन a, मैंने पहले ही आपसे बोला था कि x बहुत छोटा है, तो a से कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है, सो इफ x इज मच 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 स्मॉलर देन a देन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल टेंड टू बी ओनली a स्क्वायर, भैया x बहुत छोटी क्वांटिटी ऊपर से उसका स्क्वायर कर दोगे तो और छोटी हो जाएगी कि बड़ी हो जाएगी, छोटी होती है ना किसी छोटी सी क्वांटिटी का स्क्वायर करो, मान लो x की वैल्यू 0.01 है ना, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1/100 इसका स्क्वायर, यानी ये कितना है 10^-2, इसका स्क्वायर करोगे 10^-4, तो किसी छोटी सी क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी, तो यहाँ भाई एक तो एक्स ए से छोटा हो, यहाँ ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर करो तो और ही छोटा हो गया, तो करीब करीब ए स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट एज के क्यू क्यू नॉट 4ax और नीचे इसको नेगलेक्ट मार दो पूरी तरह से, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए की पावर 4 कैंसिल होगा ए क्यूब आएगा, यानी के क्यू क्यू नॉट इंटू 4x अपॉन ए क्यूब, यहां तक सबको समझ में आया, इसे इसे कैंसिल हुआ, ये मिटा दूं अब, बस खत्म पे, अब क्या हो जाएगा हमारा f नेट ऑन q नॉट, अभी एक यहां पर पॉइंट और बताएंगे आपको हम, के क्यू क्यू नॉट 4x अपॉन a क्यूब, ये स्टेप समझ में आया आपको, अच्छा अभी एक बात बताओ जो नेट फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, इधर कि इधर, इधर लग रहा है ना, 2 की वजह से फोर्स ज्यादा है, यानी नेट फोर्स ऐसे लग रही, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर है, इधर है, यानी नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में,
अपोजिट डायरेक्शन में, भाई जब यहां ले गए तो नेट फोर्स इधर आई, ये डायरेक्शन है नेट फोर्स का और ये डायरेक्शन है एक्स का, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर हम एफ नेट ऑन क्यू नॉट लिखें तो क्या हम यहां पे माइनस एक्स लिखना चाहिए था हमको, वेक्टर फॉर्म की बात करें। एसएचएम ऐसी तो प्रूफ करते हैं। देखो एसएचएम तभी होता है जब डिस्प्लेसमेंट इधर करने पे नेट फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आए। एसएचएम की हमारी कंडीशन ही होती थी कि हम किसी तरह से प्रूफ कर लें एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एसएचएम का कंडीशन ही यही है। एसएचएम की कंडीशन ये है, अगर एसएचएम प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लो एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स एफ नेट, और इसका माइनस के एक्स का मतलब होता है कि नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, इसीलिए माइनस लगता है। तो देखो नेट फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो हमने माइनस लगा लिया। और एसएचएम का टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, m इज मास ऑफ पार्टिकल, m इज मास ऑफ पार्टिकल जिसे जो एसएचएम कर रहा है, जैसे क्यू नॉट, यहां क्यू नॉट के मास को हमने m मान लिया। खत्म हो गया सवाल, ये मिटा ले, इधर नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। ओके खत्म हो गया सवाल। SHM प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना है, F is equals to minus KX। देखो प्रूफ हो गया, F is equals to ये माइनस, ये पूरा हो गया K, SHM वाला K और ये X। तो ये हमारे SHM वाले K की वैल्यू कितनी है, SHM का कांस्टेंट K, तो हमारे SHM वाले इसको K डैश बोल देते हैं। चलो K डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर कंपेयर करो इसको, इसको कंपेयर करो, ये पूरा हो गया SHM का कांस्टेंट K, एफ इज माइनस के, टाइम पीरियड ये हो जाएगा, यानी कांस्टेंट आ रहा है के क्यू क्यू नॉट फोर अपॉन ए क्यू, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k-। एसएचएम का मतलब बस ये प्रूफ कर लो, उसके टाइम पीरियड 2π√m/k-। के क्या होगा, एक्स के सिवा जो भी है वो पूरा एसएचएम का कांस्टेंट। सो टी इज इक्वल्स टू 2π√m हो गया मास ऑफ दिस क्यू नॉट, के डैश की वैल्यू है के क्यू क्यू नॉट फोर अपॉन ए क्यू, ऊपर गया, दिस इज द टाइम पीरियड। तो इस तरह का सवाल भी यहां से बन सकता था। तो कूलम्स लॉ में अभी और सवाल लेंगे, बट उसमें हम यूज करेंगे मीडियम का, यानी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और इस पे आ रहा है नेक्स्ट वीडियो। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।